हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम आ रखे हैं हॉस्पिटल, वो सीटी स्कैन करवाना था बहन का। तो अभी कुछ 8 बज रहे हैं, तो ना हमें 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो अभी 4 घंटे मतलब 12 बज जाएंगे, तो मैं यहीं रहूँगी हॉस्पिटल में 12 बजे तक। तो और हम देखते हैं कैसे टाइम बीतता है, फिर उसके बाद सीटी स्कैन होगा। साले पहले नहीं बताते, कोई बात नहीं। अभी तो हम यहाँ आ गए हैं, देखते हैं अब टाइम पास करेंगे। ये बहन का सीटी स्कैन करवाना था थोड़ा, तो अब देखो ऐसा है कुछ, मतलब ये अच्छा रूल खोल दिया यहाँ पे, सीटी स्कैन वगैरह मिल जाता है। तो अभी कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं ये लोग हमसे, फॉर्म फिल करवाने के बाद होगा जो होगा यहाँ पे। और भी लोग हैं, सीटी स्कैन और MRI होता है यहाँ पे, तो वो सब होगा, देखते हैं कैसे होता है। तो अभी इसके कुछ पैसे चले गए हैं सीटी स्कैन में, इतने 5,000 रुपये कह रही, इतने पैसे चले गए हमारा तो भाई। तो अभी कुछ ऐसा बॉटल दिया जिसमें दवाई मिला के उसे पीना है। तो अभी तो कुछ आधा घंटा ही बीता है और पता नहीं इतनी देर कैसे बैठेंगे। अभी तो वो पानी पी रही है, वो एक आंटी है उसे डराई जा रही है कि मेरे को तो डर लग रहा है, वो देखते हैं क्या होता है। वैसे इतना कोई वो नहीं है, बट हाँ डर तो लगता ही है। तो देखते हैं अब, अभी तो बहुत टाइम है, लाइक 11:30 बजे तक उसका सीटी स्कैन होगा। घर वर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो बाहर ही बैठी हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, अंदर उसको डर लग रहा है। मैं बाहर आ गई, अब जाती हूँ उसके पास, नहीं तो फिर कोई भी अगर किसी को करवाना है तो यहाँ पे मतलब कम पैसों में हो रहा है सीटी स्कैन और MRI, तो तुम लोग आ सकते हो और करवा सकते हो महंगे की जगह, मतलब महंगा भी ना, अच्छी फैसिलिटी है, क्लीनिनेस है, सब कुछ है, तो यहाँ के करवा सकते हो तुम लोग। तो आंटी का MRI हो गया है। खाने की पड़ी बाय बाय मंगा लो खाएंगे। तो अभी 10 बज गए, अभी बस एक घंटा और रह रहा है, फिर इसका हो जाएगा, फिर हम घर जाएंगे, देखते हैं। अभी तो लोग और भी हैं यहाँ पे, इनके बाद फिर कोई नहीं होगा, इनका भी MRI है, देखते हैं क्या होता है। यार बहुत टाइम लग रहा है। वैसे तो हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, पूरा क्लीनिनेस वगैरह सब कुछ ऐसे बाहर का भी अच्छा बना रखा है। बहुत टाइम हो चुका है और पूरे 12 बज जाएंगे यहाँ पे, फिर देखते कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑटो शायद ही होगा बाहर, क्योंकि 12 बजे पर मिल गया तो अच्छी बात है, फिर सीधा ऑटो देंगे और ऑटो से ही घर जाएंगे। पानी भी खत्म होने वाला है, देखते हैं। साले करने दे, पूरा 1.5 घंटा ही रुकवाएंगे ये लोग हमसे, पूरा हॉस्पिटल भी खाली हो गया, एक का MRI हो रहा है बस, बाकी दोनों बैठे हैं, उसको तो नींद आ रही। ठंड भी बहुत हो रही है, 8 डिग्री हो गया, इतना पानी कब करेंगे, कर ही नहीं रहे हम, पूरा 2.5 घंटा रुकवाएंगे, बैठे ही हैं ऐसे, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि रात ज़्यादा हो गई ना। तो पूरी का ही टिकल रहा है, अब देखते हैं ऑटो ऑटो मिल जाए बस, इतना पानी पिला देना, नाक में से भी पानी आ रहा है। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो अभी तो वो अंदर गई हुई है, मशीन में उसको रख दिया है, बाकी मेरे को बाहर भेज दिया है क्योंकि देख नहीं सकते शायद, और रात भी बहुत हो चुकी है, पूरा पूरा अंधेरा हो रखा है पूरा, क्योंकि टाइम भी 11:30 होने वाला है। तो अभी तो पापा आ रहे हैं लेने के लिए, क्योंकि अकेले तो जा नहीं सकते, देखते हैं अभी हो रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद मिलते हैं। डर रही थी वो तो काफ़ी, इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। टाइम लेस का सीट हो गया, डर रही थी बाल में। कैसा लगा है? चल चले क्यों चले।
तो फाइनली 4 घंटे का वेट हमारा हुआ ख़त्म। तो अब हम जा रहे हैं, पापा भी आ गए हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। तो बस अब जाते हैं भाई साहब, ठंडी बहुत हो रही है। ये फालतू में तो डर रही थी, अंदर लिक्विड डाला ना, मुझे ऐसा लगा कि भाई क्या सन्नाटा गरम गरम मच गया, और इसलिए ही डाला होगा ना उन लोगों ने, यूरिन आने लग गया ना। तो इसलिए ही डाला होगा उसमें जो भी डाला, पर इतनी तेज। चलो तो अभी फॉग भी बहुत लग रही थी, इसी अंदर था क्या? नहीं नहीं, लोग तो ऐसे ही जाता था, एसी चला रखा। चलो अब हम घर में मिलते हैं जाके, क्योंकि बहुत नहीं नहीं लोग तो ऐसे ही जाता था, एसी चला रखा। चलो अब हम घर में मिलते हैं जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे पैर जम रहे मेरे तो। तो अब मिलते हैं यहीं, अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। इसको सुई भी लग गई, रो रही थी फालतू। चलो मिलते हैं, पापा हैं यहाँ पे, पापा हैं। बाय। फाइनली घर आ गए गाइस, ठंडी।